हेलो दोस्तों, देश में 1 जून से कुछ बेहद जरूरी बदलाव देखने को मिलेंगे जिसका असर पूरे देश में देखने मिलेगा। इन बदलावों से सड़क से लेकर आपकी रसोई तक असर पड़ेगा और यह बदलाव आपकी पॉकेट को भी हल्का भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं 1 जून से क्या क्या बदल जाएगा। दोस्तों, इसमें पहला बड़ा बदलाव जुड़ा है LPG से। जी हाँ दोस्तों, LPG के दामों में मिल सकती है राहत। बता दे, ऑनल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को घरेलू और कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है। यह संशोधित दाम महीने की पहली तारीख को सुबह 6 बजे जारी होते हैं और चुनाव भी खत्म हो चुके हैं। ऐसे में घरेलू LPG पर राहत मिलने के आसार है। फिलहाल घरेलू उपयोग में आने वाले LPG सिलेंडर की कीमत 803 रुपए प्रति सिलेंडर है और जल्दी ही यह कीमत और भी गिर सकती है और गरीब लोगों को इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। वही दोस्तों, दूसरा बदलाव SBI क्रेडिट कार्ड से जुड़ा है। जी हाँ, 1 जून से SBI क्रेडिट कार्ड का नियम बदलने जा रहा है। SBI कार्ड के अनुसार जून 2024 से कुछ क्रेडिट कार्ड पर सरकार से संबंधित लेन देन पर रिवॉर्ड पॉइंट लागू नहीं होगा। इसमें ये कार्ड शामिल है जैसे SBI ओरम, SBI कार्ड इलाइट, SBI कार्ड्स इलाइट एडवांटेज, SBI कार्ड पल्स, सिंपली क्लिक SBI कार्ड, सिंपली क्लिक एडवांटेज SBI कार्ड, SBI कार्ड प्राइम। जैसे कार्ड में हमें बदलाव देखने को मिलने वाले है। वही तीसरा बड़ा बदलाव ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा है। जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट 1 जून से ड्राइविंग स्कूलों में भी ड्राइविंग टेस्ट हो सकेंगे, जो लोगों के लिए ज्यादा सुविधा पूर्वक है। अब तक ये टेस्ट केवल RTO की तरफ से जारी सरकारी सेंटर में ही होते थे। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे ड्राइविंग स्कूल में भी आप लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं और आपका टेस्ट वही होगा और उसे पास करने पर आपका लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। वही चौथा बड़ा बदलाव भी RTO से ही जुड़ा है, जिसमें अगर आप 18 साल की उम्र से कम हैं और गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो न केवल 25,000 का फाइन लगेगा बल्कि 25 साल की उम्र तक आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता। पांचवा बड़ा बदलाव आधार कार्ड से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, यह बदलाव 14 जून से लागू होगा, जिसमें UIDAI ने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करने की डेट को बढ़ा दिया है। अभी भी समय है, अपना आधार कार्ड अपडेट करा ले, वरना अगली बार हर अपडेट के 50 रुपए देने होंगे। तो दोस्तों, 1 जून को यह 5 बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। वैसे आपको यह बदलाव कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।